हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक यू ऑल आर वेरी बेस्ट। एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी वस्तु की गति का ग्राफीय निरूपण करने चल रहे हैं, ग्राफ पर दिखाना। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप हमसे कनेक्ट और कांटेक्ट में हमारे रहना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे द डिफाइन रुद्रा से क्या करें, सर्च करें, या फिर आप मेरे मोबाइल नंबर से जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक में, आपको वहां से आप मुझे उस नंबर से भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, गति के ग्राफीय निरूपण पर। असल में ग्राफीय निरूपण क्या चीज़ है, धीरे धीरे हम इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है बेटा? थोड़ा मोड़ा ग्राफ आपने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा। आपको बताते हैं कुछ बातें। ग्राफ, ग्राफ मतलब आरेख होता है, चित्र बना करके कोई चीज को समझना, ठीक है ना? आसान होता है। हम कहते हैं जोड़ो 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 और उसके बाद एक हल्का सा निशान बना देते हैं। हम कहते हैं जोड़ो 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 उसके बाद एक हल्का निशान बना देते हैं, किसका? प्लस का। क्या ये ग्राफ नहीं है? साइन, चिन्ह, एक परमानेंट आरेख। अगर हम ऐसे करके रख देते हैं कोई चीज तो हम कहते हैं ऊपर जा रही है, और वहीं अगर ऐसे कर दें तो कहते हैं नीचे आ रही है। कहना नहीं पड़ता, समझ में आता है ये चीज। यही ग्राफ का महत्व है। ग्राफ में लिखना नहीं पड़ता, थिंकिंग सब कुछ बताती है। आपको बताऊं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के गति को दिखाने का सबसे सरलतम साधन ग्राफीय निरूपण है, ग्राफ के माध्यम से गति को शो करना। जब हम गति में होते हैं तो कभी हमारी रफ्तार बढ़ती है, कभी हमारी रफ्तार घटती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कभी हम एक समान वेग से चलते हैं, कभी हम एक ही दिशा में चलते हैं। इन चीजों को लिखना कॉपी पर, हर क्षण मेरा रफ्तार बदलता है तो कितनी बार लिखूं मैं इस चीज को, मेरा वेग तो निरंतर बदल रहा है। लेकिन ग्राफ तो लिख करके इस चीज को लिखना दिखाना कठिन है कि सर इस समय मैं इस स्पीड से चल रहा था, इस समय इस स्पीड से, इस समय इस स्पीड से। लेकिन ग्राफ से आसानी से आप एक ग्राफ खींच देंगे, अपने आप दिखेगा कि किस समय आप किस स्पीड से क्या कर रहे थे, चल रहे थे, ठीक है ना? और तो क्या हुआ, ग्राफ एक बहुत ही सुलभ साधन है किसी भी गति में, किसी भी वस्तु की गति में विभिन्न दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए, गति को बढ़ा करके, गति को घटा करके, गति को एक दिशा में। बड़ा आसान तरीका है ग्राफ से दिखाना। मैं आपको बताऊं, कई बार तो हम गति की जो घटनाएं होती हैं इनको ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से जान जाते हैं, गाड़ी तेज हो गई, गाड़ी धीमे हो गई, ये हम देख कर जान जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को तो गाड़ी देख कर जानते हैं ना आप, आपको गाड़ी देख कर नहीं, कापी पर ग्राफ देख करके, आरेख देख करके ये चीज़ बताना है। कभी कभी हम बहुत सारी घटनाओं को गति के दौरान, बहुत सारे चेंजिंग को, उतार चढ़ाव को हम कैलकुलेशन से, गणनाओं के आधार से जान जाते हैं, ठीक है ना? तो ग्राफ से चीजों को प्रदर्शित करना हम यहां देखेंगे। किसी वस्तु की, किसी गतिवान वस्तु की गति की तमाम सारी घटनाओं को ग्राफ में दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जनरली हम लोग लाइन ग्राफ का यूज करते हैं, रेखा खींच करके हम लोग जनरली जो है किसी भी वस्तु की गति को दिखा पाएंगे। और ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये रेखाएं जो खींची जाती हैं लाइन ग्राफ बोली जाती हैं। ये प्रदर्शित क्या करती हैं, ये एक राशि का दूसरी राशि पर परिवर्तन दिखाती हैं, एक राशि की दूसरे राशि पर निर्भरता दिखाती हैं। अभी आपको मेरी बातें कम समझ में आ रही होंगी, अभी थोड़ी देर में समझने लगेंगे। जैसे समय के साथ हमारी दूरी कितनी हुई, मैंने जब चलना शुरू किया तो एक घंटे बाद मैं कितनी दूरी चल चुका, तो दूरी मेरी समय पर दिख रहा है, समय पर डिपेंड कर रहा है कि एक घंटे बाद मैं कितनी दूरी चल दिया, एक घंटे बाद मेरा वेग कितना हो गया, या फिर एक घंटे में हमारा वेग कैसे बढ़ रहा था, यानी हमारा वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, समय पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? यानी एक राशि की हम दूसरे राशि पर निर्भरता को व्यक्त कर सकते हैं, किससे? लाइन ग्राफ से, रेखाओं को खींच करके। हम रेखाओं के माध्यम से इस चीज को व्यक्त कर सकते हैं कि अगर मैं अभी चलना शुरू किया हूं तो एक घंटे बाद हमारा रफ्तार कितना हो गया, हम किस दिशा में चल रहे थे, एक घंटे में हमने कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है? ये सब हम ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ बेटा कि हमारे पास कई प्रकार के ग्राफ हैं। जैसे उनमें से एक ग्राफ हमारा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, दूरी समय ग्राफ है हमारे पास। एक कौन सा ग्राफ है बेटा? दूरी समय ग्राफ, जिसमें दूरी
का हम समय के साथ निर्भरता दिखाएंगे, तात्पर्य कितने समय में हमने कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है ना। और एक हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, ये बताता है कि हमारा वेग किस समय कितना था या फिर हमारा वेग कितने समय में कितना परिवर्तित हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है अथवा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी वेग किस समय पर निर्भरता दिखाता है। हम दोनों ग्राफों को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा क्या चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बोलते हैं दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। कौन सा ग्राफ बोलते हैं बेटा? दूरी समय ग्राफ बोलते हैं, दूरी समय ग्राफ। अब जो दूरी समय ग्राफ है इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपको बता दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा, इसमें हम क्या, इसमें हम दूरी की निर्भरता को दिखाते हैं, किस पर? समय पर। दूरी समय पर किस प्रकार निर्भर करता है, कितने समय में हम कितनी दूरी चल लेंगे, दूरी समय ग्राफ इस चीज को दिखाता है। हमारी पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी हमारी, किस समय हम कितनी दूरी चले, एक घंटे में 5 किलोमीटर चला, 2 घंटे में 3 किलोमीटर चला, इसी चीज को हम किससे देखते हैं बेटा, दूरी समय ग्राफ से। दूरी समय ग्राफ को हम पढ़ते कैसे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको बताएं, हम दो रेखाएं लेते हैं इसमें, ऐसे एक रेखा ऐसे लेते हैं पृथ्वी के क्या, समांतर, जिसको आपने सामान्यतः पूर्व की कक्षाओं में एक्स एक्सिस कहा होगा। एक रेखा आप ऐसे लेते हैं, ऐसे, जिसको आपने पूर्व की कक्षाओं में वाई एक्सिस कहा होगा। इस एक्स एक्सिस पर हम समय को प्रदर्शित करेंगे, टाइम को दिखाते हैं, अतः इस एक्स अक्ष को हम समय अक्ष कहते हैं, और इस वाई अक्ष पर हम किसको दिखाते हैं, वाई अक्ष पर हम किसको दिखाते हैं, इस पर हम दूरी को दिखाते हैं, अथवा किसको दिखाते हैं, विस्थापन को दिखाते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस को दिखाते हैं, ठीक है, किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। तो इसको हम विस्थापन अक्ष या दूरी अक्ष भी कहा जा सकता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि इस डिस्टेंस टाइम कर्व पर, इस डिस्टेंस टाइम किस पर बेटा, कर्व पर हम तमाम प्रकार की गतियों का निरूपण करेंगे। तमाम प्रकार की किसका निरूपण करेंगे बेटा, गतियों का निरूपण करेंगे, कई कंडीशन में गतियों को दिखाएंगे इस पर, किस पर, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। कई तरीके की गतियां हम, हाँ, असमान गतियों को दिखाएंगे, मैं आपको पूर्व के लेक्चर्स में, पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं, इस पर हम असमान गति को भी दिखा सकते हैं, इस पर हम एक समान गति को भी दिखा सकते हैं। क्या है असमान गति और क्या है एक समान गति, हम तमाम चीजों का आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आइए मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब देखते हैं एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग कुछ और समझेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। अब आप नवी कक्षा में गए हैं, आपको दो शब्द मिलेंगे, एक कौन सा शब्द मिलेगा आपको, एक शब्द मिलेगा अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपके लिए एक नया शब्द है, अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली क्या बेटा, प्रोपोर्शनल, ठीक है। दूसरा है बेटा व्युत्क्रमानुपाती, आप इसको कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं आपको दोनों का मतलब बताऊंगा, आप परेशान ना। सबसे पहले अनुक्रमानुपाती क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूं ए अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा कि अगर बी बढ़ेगा तो ए भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अगर बी घटेगा तो ए भी घटेगा। इस संबंध को ही क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती, मतलब जैसे तुम वैसे हम, इसको दिखाते हैं इस चिन्ह से, ये दिखाता है ए अनुक्रमानुपाती बी, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यही है बेटा अनुक्रमानुपाती, समझ गए।
अब आपको अगली चर्चा दिखाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। मैं आपको बताऊं, अगर लिखा है ए व्युत्क्रमानुपाती बी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी बढ़ेगा तो ए क्या होगा, घटेगा। अगर बी घटेगा तो ए क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बेटा, इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, चिन्ह तो वही रहेगा लेकिन एक आदमी को एक बटे करके लिख देते हैं। अब ये व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाएगा, ए व्युत्क्रमानुपाती बी, एक बटे बी मत पढ़िएगा, ए व्युत्क्रमानुपाती बी पढ़िएगा। जब आप व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं तो ऐसे हो ही जाता है एक बटे बी। ये देखो का इसका व्युत्क्रम है एक बटे का, यानी एक बटे का ही व्युत्क्रम है किसका, का, तो एक बटे का कहने की आवश्यकता नहीं है, का व्युत्क्रम एक बटे का। ठीक है, अब देख लीजिए, ये हो गया उल्टे का संबंध बेटा, समझ गए इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको दिखा देते हैं जैसे क्या चीज, मान लीजिए, अब आपको इसको डिलीट करके तब बताते हैं। यहां देखो बेटा, मान लीजिए दो राशियां हैं, बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 3 है। अब हुआ क्या, बी 5 से बढ़कर 7 हो गया, ए 3 से बढ़कर 5 हो गया। आप बताओ, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, बी 7 से बढ़कर 9 हो गया, ए 5 से बढ़कर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अब देखो ये भी बढ़ा तो ये भी क्या हुआ, बढ़ा। इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ए अनुक्रमानुपाती क्या, बी। ठीक है, आपको बता दें जब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं इस वाले अनुक्रमानुपात को, तो बराबर लगाते हैं और एक नियतांक के आ जाता है। सर इसको हटाकर बराबर और के क्यों लेकर आए, जरा गौर करो बेटा, जब ये 5 थे तो ये 3 थे, ये जब 5 थे तो ये 3, जब ये 5 से 7 हुए तो ये 3 से 5 हुए, जब ये 7 से 9 हुए तो ये 5 से 6 हुए। क्या ये बराबर हैं दोनों, ना, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 3 का अंतर है। यानी ये तो सच है कि ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, लेकिन बराबर नहीं होता है, इन दोनों के बीच बराबर का संबंध नहीं है। इसी बराबर को लाने के लिए यहाँ पर ये लगाते हैं और बाद में क्या लिखते हैं के, इसी बराबर का चिन्ह, इसका हटा करके बराबर लगाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ता है, के इस कमी को पूरा कर देता है, 3, 2 और 2 वाले। समझ गए बेटा, यानी जब भी अनुक्रमानुपात हटता है तो बराबर और एक नियतांक के आ जाता है के। ऐसे ही इसमें भी है कि जब भी इसको हटाएंगे तो एक बराबर और क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। ये के क्या करता है, उसी कमी को पूरा करता है जो इन दोनों के बीच रहता है बेटा। ठीक है ना, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, यानी किस पर, एक समान गति के लिए दूरी समय क्या बेटा, ग्राफ। आइए देखते हैं।